न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। पहले कुशीनगर के थाना क्षेत्र खड्डा से एक युवती की हत्या का मामला सामने आया था, जहां पिपरिया टोला में प्रेम संबंध में एक लड़की ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद वह एक पड़ोसी के घर में जाकर छुपी थी, जिसे लेकर इस पूरे हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। मृतका के परिजनों ने पड़ोसियों पर आरोपी बेटी को उकसाकर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भेड़ी जंगल के पिपरिया टोला में प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर बेटी द्वारा अपनी ही मां की गला रेतकर किए गए हत्या के मामले में जेल भेजी गई संध्या के परिजनों ने स्थानीय थाने और क्षेत्र अधिकारी खड्डा को तहरीर देकर पड़ोसियों पर हत्या के लिए उकसाने व साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मृतक के पनों के अनुसार पड़ोस के एक युवक से उसकी बेटी संध्या का प्रेम संबंध था, जिसका विरोध संध्या की माता हमेशा करती थी। 25 अप्रैल की मध्य रात में संध्या के प्रेमी के परिजनों ने संध्या को अपने विश्वास के दायरे में लेकर साजिशन अपने घर से हथियार देकर विद्यावती की हत्या करा दी और हत्या करने के बाद संध्या को अपने ही घर में छिपा लिया था। कुशीनगर से वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आपका परिचय? सुरेंद्र पटेल, ग्राम पिपरिया जंगल, जनपद कुशीनगर, थाना खड्डा। आपकी क्या समस्या है? सर, मेरी समस्या है कि मेरी माँ की हत्या हो गई है, जिसमें मेरी बहन हत्या की है, उसमें उसके साथ और लोग हैं जो बयान दे रही है, और संध्या के साथ एक मेरे बगल में घर है, उसमें प्रियंका नाम की लड़की है, जिससे उससे और संध्या के बीच कुछ बात चलती थी और हम लोगों को मालूम नहीं थी, जिससे उस रात को प्रियंका ने संध्या को हथियार दिया और प्रियंका और संध्या दोनों मिलकर माँ की हत्या कर दी। उसके बाद हम एम्बुलेंस को फोन किए तो एम्बुलेंस के आने से पहले माँ की डेथ हो गई। उसके बाद से हमने पुलिस को फोन किए, पुलिस की गाड़ी आई वहाँ पे, और उसके बाद से हमको और पापा को और मेरी मम्मी को थाने पे हम लोग आए। उसके बाद से रिपोर्ट बना तो मेरी माँ को पोस्टमार्टम जिला पर गए, और उसके बाद से मेरी बहन हत्या करके प्रियंका के घर में गई थी। उसके बाद से वहाँ से जब गाड़ी आई तो हम लोग लेकर आए अपने घर, और वहाँ से उसको हॉस्पिटल पे ले गए थे, और हॉस्पिटल पे वहाँ उसका इलाज हुआ, फिर वहाँ से रिफर लोग लिख दिए। उसके बाद से हम जिला पे गए, और जिला पे गए तो वहाँ उसका होश हुआ। वहाँ पे भी कुछ मीडिया वाले लोग भी आए थे, जो संध्या वहाँ पे बयान दी कि प्रियंका हमारे साथ हमारे घर में आई थी और हमको एक हथियार दी थी, और उस हथियार से हम मम्मी को काट दिए। उसके बाद से पुलिस वहाँ पे पहुँची थी और उसके बाद से वो हथियार नहीं मिला। जब हथियार नहीं मिला तो एक लकड़ी पांगने वाला हथियार मेरे घर में था, उससे साहब खून को खुरच कर एक पन्नी में रखवाए थे और उसी को वो हथियार बना दिए हैं। आपके अनुसार इस घटना में कौन कौन शामिल थे? इस घटना के अनुसार मेरी बहन ने जब जिला पे उसको होश हुआ तो वहाँ वो मीडिया वालों को लोग सामने मेरी बहन बोली कि मेरे साथ प्रियंका मेरे साथ ही थी, जो भी घटना हुआ उसमें मेरी प्रियंका मेरे साथ भी थी। उसके बाद से हम जिला से थाने पर लेकर भी आए तो प्रियंका और संध्या को आमने सामने हम साहब के सामने बात कराए थे, तो वहाँ भी संध्या बोली कि यही हथियार हमको दी है और हम दोनों लोग मिलजुल के ही इनका हत्या की है। क्या आपके अनुसार इस हत्या में दो लोग शामिल थे? प्रियंका और संध्या। हाँ जी सर, उसमें संध्या बता रही है कि प्रियंका मेरी साथी थी। इसमें कानूनी कार्रवाई ये हुई है कि जब हम जिला पर से संध्या को लेकर आए तो साहब उसके बाद प्रियंका को भी घर से उठा लिए थे। जब प्रियंका और संध्या दोनों यहाँ पे आई थी तो साहब से हम पूछे कि सर इसमें क्या होना चाहिए, तो साहब बोले कि इसमें हम छानबीन करेंगे, और छानबीन किए कि क्या किए ये हमको नहीं समझ में आया, और संध्या को एनसीआर दर्ज करके संध्या को जेल भेज दिए, और उसके बाद उसके साथ जो मुलजिम आया है उसको नहीं मालूम कि सर छोड़ दिए कि क्या किए ये अभी तक पता नहीं चला है। जो बार बार साहब सब ला रहे हैं, ये साहब कौन है? ये खड्डा अध्यक्ष एसओ साहब हैं। आप इस मामले में क्या चाहते हैं? हम इस मामले में चाहते हैं कि संध्या के साथ जो भी लोग हैं उनको भी कार्रवाई की जाए।